व्यूवर्स, आज हम रिव्यू लेके आए पैनासोनिक के होम थिएटर का, जिसको आप एलईडी के साथ और अपने रूम में कहीं किसी भी जगह पर रख सकते हैं और काफ़ी अच्छे साउंड के साथ आता है। टोटल जो इसके वाट्स हैं वो 300 वाट्स के साथ मिल जाता है और आप देख सकते हैं इसमें 5 स्पीकर आपको मिल जाते हैं और उसके अलावा एक वूफर मिल जाता है और एक अदद इसमें आपको रिमोट मिल जाता है। इसका जो रिमोट है वो कुछ इस तरीके से आता है और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है, ये आपको ऑक्स की केबल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसको आप एलईडी में और किसी भी जगह पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियाँ और खामियाँ आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। बात कर लेते हैं इसकी स्पीकर की, तो इसमें आपको 3 स्पीकर मिल जाते हैं जो कि इसकी ट्यूटर का काम करते हैं। एक अदर जिसमें आपको वॉल्यूम मिल जाता है और 2 वर्टिकल टावर स्पीकर मिल जाते हैं। इसके साउंड क्वालिटी की बात कर लें तो साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी बेहतर है और इसका जो बेसर है वो भी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा सीडी प्लेयर आपको मिल जाता है और इसमें जो सबसे अहम बात है इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं आती है, लेकिन ये आप अलग से करवा सकते हैं जो करवाना मार्केट से ईजिली बहुत ही आसान है। इसको ऑन करते साथ इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आती है और इसके साथ आपको सीडी प्लेयर मिल जाता है। इसके कुछ बटन्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं ये सीडी प्लेयर के साथ आता है और सीडी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मैनुअल बटन की बात करें तो ये इसके मैनुअल बटन हैं। उसके अलावा USB पोर्ट इसमें आपको एक मिल जाती है, XH166 इसका मॉडल नंबर है। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो 300 वॉट में आपको होम थिएटर मिल जाता है जिसमें आप कहीं भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी आप देख रहे हैं इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है और इसके अलावा ऑक्स केबल के साथ ये अटैच होता है और इसके साथ आपको इसका रिमोट मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं और वॉल्यूम अप एंड डाउन का, और इसके अलावा इक्वलाइजर मिल जाता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये इसका बफर है जो कि काफ़ी बेहतर साउंड दे रहा है। इसकी वॉल्यूम की बात कर लें तो इसका जो वॉल्यूम है वो 0 to 100 आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। बात कर लेते इसकी कीमत की, इसकी मार्केट में कीमत है वो 49,000 अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, और अगर आप इसको मार्केट में सर्च करके परचेज करते हैं इसके मार्केट में कीमत है वो 35,000 से लेके 40,000 तक आपको इजीली मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी की बात कर लें तो अगर आप उससे पूछेंगे तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और साउंड क्वालिटी जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा ऑक्स की केबल मिल जाती है, सीडी प्लेयर मिल जाता है जिसका जो दौर और ज़माना भी गुजर चुका है। प्राइस की बात कर लें तो प्राइस भी रिजनेबल है, लेकिन एक रिजनेबल प्राइस में आपको जो होम थिएटर है वो मिल जाता है जो कि पैनासोनिक मेड इन मलेशिया कंपनी का बना हुआ है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही प्रोडक्ट की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।